कुछ सालों से केडीएल सीएससी द्वारा संचालित कंपनी कोटा के अंदर आई है। ये सालों से कई आंदोलन प्रदर्शन करने के बाद भी कई जनप्रतिनिधियों ने कई संगठनों ने केडीएल कंपनी को सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि कोटा के अंदर केडीएल कंपनी तानाशाही कर रही है, दादागिरी कर रही है, गलत काम कर रही है। अच्छे नए मीटर जो करोड़ों रुपए के कोटा में थे उनको जबरन तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा रही है, जो कंपनी खुद मान चुकी कि वो मीटर और ये मीटर में कोई फर्क नहीं है। तो आवश्यकता क्या थी उसको तोड़ने की, पहली बात तो ये करोड़ों का राजस्व का जो नुकसान हुआ, पहली बात तो ये किसका। और आज ये आंदोलन की आवश्यकता जो पड़ी, 15 दिन से कोटा शहर के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, आज आग बनकर पूरे कोटा शहर में धधक रही है। और एक छोटे से आह्वान पर कल आज जनता यहाँ पर एकत्र हुई है। 10 बजे से शाम तक ये क्रमिक अनशन प्रतिदिन 9 तारीख तक, यानी कि 10 दिन आज से चलेगा। 10 तारीख को सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कोटा के जनता के साथ लूट मचा रही है कंपनी। अगर सरकार और कंपनी ने हमारी जो मांगे है, पुनर्वास में गरीब बस्तियों के अंदर रहने वाले लोगों को जो पहले आंकड़े डालकर रहते थे उनके बिल 500 रुपये किए जाएं, जो कंपनी
बिल तेज भेजकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। इसको रोका जाए, हम बर्दाश्त कभी ये नहीं करेंगे कि कंपनी नए मीटर लगाए, फास्ट जो बिल दे रही है इससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमर्शियल जो इन्होंने 5 कमरों से ऊपर लागू कराया है, हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कई लोगों के 20 मकान 30 मकान है, उन्होंने गलती तो नहीं करी कि वो मकान बनाकर आपके चक्कर में कमरे तो तोड़ने से रहे। वो जो लोग विधवा है, परिवार में कोई रोजगार नहीं है, वो इस तुगलकी फरमान को क्यों अपनाएंगे? आज आपने आज क्या कहा आपने? आज हमने ज्ञापन दीजिए, अभी 11 बजे निर्णय लेने के बाद में ये आपके सामने, अभी हमने जेरोक्स पर ये मैटर बनवाया है और 5000 अपीलें अभी सबको पूरे कोटा शहर में देके भिजवाया है। 1,00,000 अपीलें पोस्ट कार्ड के साथ, पोस्ट कार्ड तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को दिए जाएंगे जो कोटा की पीड़ा है, और ये अपीलें कोटा बंद 10 तारीख को 10 दिन कंपनी और सरकार को, और 10 तारीख को कोटा बंद का आह्वान कोटा की जनता से किया गया है कि कोटा के परिवारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आज उसके दुख में शामिल होने की आवश्यकता है। क्योंकि कोटा में अगर कभी कोई किडनैपिंग हुई है, किसी के घर में चोरी हुई है, तब भी सहानुभूति के तौर पर कोटा की जनता ने बंद कर उस परिवार का संबल बनाने का काम करा है। आज कंपनी हर घर परिवार को मारने का काम कर रही है, तो आज उसको 10 दिन बहुत है क्रमिक अनशन के। अगर 10 दिन में सरकार निर्णय नहीं लेती है तो 10 तारीख को कोटा बंद का आह्वान करा है, 10 तारीख को कोटा बंद के बाद भी नहीं सुधरते तो हिम्मत सिंह हजारों लोगों के साथ में अनिश्चितकालीन तौर पर भूख हड़ताल पर बैठेगा और उग्र आंदोलन पर मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी। आज आपने हनुमान चालीसा और आज जनप्रतिनिधियों से बात करके देख ली, कई जनप्रतिनिधियों ने केडीएल कलेक्टर सरकार तक ज्ञापन प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी बात पहुंचा दी, इनके कहीं भी जू नहीं रेंग रहे। आज उस पीड़ा को देखते हुए हमने गणेश जी को मनाया यहाँ पर, आज उस पीड़ा को देखते हुए कलयुग के देवता जिनका कोटा चलता है बालाजी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने यहाँ पर बालाजी को भजनों के माध्यम से खोल के जोश के साथ में बालाजी को मनाने का काम किया, और बालाजी को मनाने के बाद में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने दुआ करी परवरदिगार से, अल्लाह से, कि जो कंपनी यहाँ पर गलत काम कर रही है इस कंपनी को कोलकाता रवाना किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन उग्र होता चला जाएगा। 10 तारीख को कोटा बंद होगा, कई बड़ी चीजें होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कोटा में केडीएल नहीं।